सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार और अजय बेनीवाल के साथ गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी पर। आप लोगों को जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा, हम लोगों ने नंबर सिस्टम की सीरीज चलाई हुई है, ठीक है। हमने यूनिट प्लेस थ्योरम पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा, फिर हमने यूनिट प्लेस थ्योरम पढ़ी, फिर हम लोगों ने अपना नंबर सीरीज़ की मैंने आप लोगों को दो वीडियो प्रोवाइड करी थी। आज बच्चों हम लोग पार्ट फोर लेकर आए हैं, याद रखिएगा ये है हमारा बहुत ही बेहतरीन पार्ट, नंबर ऑफ जीरोज। कि किसी भी सीरीज़ के सॉल्यूशन के बाद जब हम किसी एक कैलकुलेशन को सॉल्व करके पूरा आंसर देते हैं तो उसके एंड में कितनी जीरोस बनती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत आराम से समझना, बहुत बारीकियों से समझना, चीज़ों को बड़े आराम से समझाऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सबसे पहली एक बहुत बारीक चीज़, मान लीजिए 10 में मैं 10 स्क्वेयर अगर ऐड करता हूँ, बड़े ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, तो 100 प्लस 10 आता है 110। ऐसे ही अगर मैं 10 प्लस 10 स्क्वेयर प्लस 10 क्यूब करता हूँ तो ये 111 0, 3 है पावर, तो 3 बार 1 और आखिरी में 1 0 आ जाएगी बच्चों। सिमिलरली 10 प्लस 10 रेस टू पावर 2 10 रेस टू पावर 6 1 2 3 1 2 3 और एक बार एंड में आ जाएगी कि आपके पास 0। अब ये मैंने सीरीज़ क्यों लिखी है, बड़े ध्यान से समझना। एक बार एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था और देखिएगा, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड 10 प्लस 10 स्क्वेयर प्लस 10 क्यूब एंड एट्स योर ओन 10 रेस टू पावर 99। तो जो ऑप्शंस थे इसकी 99 101 1 एंड नन ऑफ दिस। अब बच्चों ने तुक्का लगाया, हो सकता है भाई 99 जीरो हो क्योंकि सीक्वेंस 99 स्तंभ है, या उन्होंने क्या किया फिर किसी बच्चे ने 1 + 2 + 3 + 99 कंसेप्ट लगा लिया मल्टीप्लाइकेशन वाला। यार ऐसा नहीं है, अभी मैं इस सीरीज को आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ कि जब ये सीरीज ओपन होगी तो ये 111 इस तरह से 99 टाइम्स आएगा और एंड में जीरो रहेगा, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस के एंड में सिर्फ सिंगल जीरो है, दैट मीन द आंसर इज वॉट गाइज 1। चलिए ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो जीरो बनाने के लिए दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक 2 दूसरी 5, क्योंकि 2 5 10 जो कि जीरो देता है। तो दो तरीके से आप लोग इसको सीखिएगा, हम लोग फैक्टर बनाएंगे 2 की वैल्यूज निकालने की, 2 रेस टू पावर m इंटू में 5 रेस टू पावर n। नाउ m और n विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगी वही नंबर ऑफ जीरोज कहलाएंगी बच्चों। चलिए देखते हैं आगे, बड़े सिंपल सिंपल तरीके से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखो बेटा पहला सवाल, मैं कहूं अगर 1 × 2 × 3 × 4 up to 10, मैंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बताओ। अब चाहे इसका कैलकुलेटर लेकर 1 से 10 तक की मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसके एंड में जितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी मैं वही नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। बट बेसिक बात आती है, हम करेंगे कैसे, तो वो जो कंसेप्ट है वो एक बार देखिएगा। हमें इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में ये देखिएगा, ये जो प्रोडक्ट दी हुई है ये नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट दी हुई है, और नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट में एक खास बात होती है कि हर एक अल्टरनेट नंबर एक नंबर छोड़कर अगला नंबर 2 का मल्टीपल होगा, 2 4 6 8, दैट मीन नंबर ऑफ 2
कि फैक्टर जो है इस प्रोडक्ट में या इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ कम किसके होंगे बेटे, पांच के फैक्टर कम होंगे, तो कोशिश करेंगे हम फाइव को काउंट करने की, क्योंकि विच एवर इज लेस आंसर होता है। फिर भी एक बार एग्ज़ाम में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। नाउ हाउ मेनी टूज हेयर, 1, इसमें कितने बेटे 2, 2, 2, यहाँ पर कितना है 1, इसमें है बच्चों 3 और यहाँ पर है 1। अब यहाँ पर 5, 1 है और 1 5 यहाँ पर है। अब आप अपना अंदाज़ा लगाओ खुद कि 1 से लेकर 10 के मल्टीपल में जो 1 है, 5 है, वो 2 बार है, और जबकि जो 2 है वो 3 और 2 5, 6 और 1 7 और 1 8 बार है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैंने इसको इसमें चेक किया कि हाउ मेनी टूज आर देयर, तो 2 तो है 8 बार और जो 5 है मेरे भाई वो है 2 बार। अब वापस उसी कंसर्न पर आओ कि विच एवर इज लेस, तो 8 और 2 में से बच्चों जो सबसे छोटा है वो 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो आंसर क्या रहेगा मेरे बच्चों, 2 रहेगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। बट अब हम इसको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, अगर ये मल्टीपल 100 तक है, 10 तक लेता हूं पहले, अपना दिमाग खुद लगाओ। चलो मैं अलग अलग बारी बारी चेक करता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं इसमें 2 के फैक्टर कितने हैं बेटा। तो इस 10 को 2 से भाग कराओ, भाग कराया वैल्यू आई 5, फिर इस 5 को दोबारा 2 से भाग कराओ और 2 × 2 = 4, फिर 2 को 2 से दोबारा भाग कराओ और 2 = 1। जब तक यहाँ वाली वैल्यू इससे कम नहीं आ जाएगी तब तक हम इसको करते रहेंगे, इससे कम आनी चाहिए, ठीक है। अब टोटल करो, 5 और 2 = 7 और 1 = 8, मतलब 2 की पावर बनेगी 8, ठीक है बेटा। ऐसे ही अब हम बात करते हैं 10 की। तो हमने क्या किया, आखिरी संख्या 10 है, 10 में हम देखना चाहते हैं कि 5 कितनी बार आते हैं। 5 को जब 10 से भाग किया तो 2 आया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 5 की पावर बनेगी 2। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर बनेगी 2। बड़े ध्यान से सुनो, बहुत इजी है। तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड काउंट होंगी कितनी बेटा, 2 काउंट होंगी। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए सेकेंड, 1 × 2 × 3 × 100। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होंगे ही होंगे, क्योंकि हर अल्टरनेट पे 2 बैठा हुआ है, तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ 5s। तो बहुत इजी है बेटा, 100 को आप 5 से भाग कर दो तो ये आएगा बच्चों 20, फिर 20 को दोबारा 5 से भाग कर दोगे तो वैल्यू आएगी 4। बस दोबारा भाग नहीं हो सकता, बस छोड़ दो यहाँ से, तो 24 इज़ द राइट आंसर। कि मतलब 1 से लेकर 100 तक के मल्टीपल के जब हम फाइनल आंसर देंगे तो एंड में 24 जीरोस लिखी जाएंगी। एक और काम करते हैं, ये ज़रूरी है कि आपको 1 से 100 तक एटलीस्ट 2 भी पता होने चाहिए कितने बनते हैं। 2 चेक करते हैं एक बारी, ये 50, देन 50 इज अगेन डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, 3 एंड 3 डिवाइड बाई 2 इज वॉट, 1, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ तक आया, 1 तक गया है बच्चों। तो जब मैं इन सबको ऐड करता हूँ, आप ऐड कीजिए, 3 और 1 = 4 और 10, 3 और 1 = 4 और 6 = 10, 10 और 12 = 22, 22 और 15 आपके पास होते कितने हैं, 47 प्लस 50 97। तो कोशिश कीजिएगा ये फिगर एटलीस्ट आप लोगों के माइंड में रहे कि जब हम बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक के मल्टीपल की, तो जो नंबर ऑफ टूज होते हैं मेरे बच्चों वो 97 होते हैं और नंबर ऑफ फाइव जो होते हैं वो 24 होते हैं। विच एवर इज लेस द आंसर इज वॉट, 24। 2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें निकालना 5 है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखवा है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में इसकी रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए हम आगे करते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 1 into 2, मान लो अप टू 100,000 तक दे देता है, तो आप 1,000 को यहीं से डिवाइड करा दो बस, बाई 200 आया, देन 200 डिवाइड बाय 5, 5 4 40 आया, 40 डिवाइड बाय 5 8 आया, 8 डिवाइड बाय 5 1 आया, टोटल कीजिएगा तो आपके पास 249 आंसर आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ जीरोज आई 249। चलिए अब ये जरूरी नहीं है कि ये टर्म्स जो हैं वो जीरो वाली टर्म्स ही हो, ये मत सोचिए कि 10 20 30 यहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है। बच्चों एक एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां 345 लिख दिया उसने, अब बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, करो इसको 5 से भाग, आप 5 6 30 4 5 नीम 45 69 लियाओ भैया, यहां पर भाग करते हैं दोबारा, 5 एकम 5 और यहां पर आपके पास आया 1, 5 3 15, 13 5 65 होता है, 13 को दोबारा भाग कीजिएगा, 5 2 नहीं 10 तक, रिमाइंडर छोड़ देना बस, और इसका टोटल कर दीजिएगा आप, 9 3 12 2 4 6 7 और 8 84, तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितनी आई, 84 आई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, अभी नेचुरल नंबर्स हैं, सीक्वेंस कंटिन्यू है, तो उसको मैं सिखा रहा हूं, आगे अब हम धीरे धीरे हम चीजों को बढ़ाएंगे। चलिए एक और देखिएगा, मान लो यही क्वेश्चन है, कहता है बच्चों कि 301 302 303 एंड चलो मैं 500 लिख देता हूं बस, कि भाई अब इसकी नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो इसको इजी है सॉल्व करना, ज्यादा टफ है नहीं, बस सिर्फ यहां का दिमाग आपको अप्लाई करना है। ये एक एंड वैल्यू 500 है, इससे पहले की वैल्यू 300 है और ये वैल्यू 500 है, दैट्स इट। इसमें चेक करो, 5 से भाग कराओ 60, 60 को 5 से भाग करो 12, 12 को 5 से भाग करोगे आप कितना आएगा बेटे, 1। यहाँ लिया 500 को 5 से भाग करोगे आप 100 आएगा, 100 को 5 से डिवाइड किया 20, 20 डिवाइड बाय 5 4, टोटल किया 124। माइनस अगर मैं करता हूँ यहाँ से तो ये आ रहा है 73। अब 124 में से आप 73 जब आप माइनस करते हैं तो 4 में से 3 जाता है 1 और 12 में से 7 जाते हैं 5, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो बनती है वो 51 बनती है। मतलब ये हुआ कि हम 1 into 2 से लेकर 500 तक के नंबर्स में से हम लोग 1 into 2 से 300 तक की जीरोस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस वाले पोर्शन की नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी 51। इजी क्वेश्चन था वो, आपको पता ही है कि हम 5 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है और नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में हर अल्टरनेट पे 2 आता है। बड़े ध्यान से समझो, नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में हर अल्टरनेट नंबर पर 2 आता है, इसलिए नंबर ऑफ 2 काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें देखना होता है कि किसके फैक्टर कम है, और नेचुरल नंबर में हम जानते हैं कि हर पांचवा नंबर 5 का मल्टीपल होता है, तो इसलिए क्यों ना हम नंबर ऑफ 5 काउंट करें। चलिए आगे चलते हैं, अब मान लीजिए बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन आया, कहता है 2 into 4 into 6 into 8 एथ शोन 200 तक। अब यहां तक क्वेश्चन है, अब नंबर ऑफ जीरोस बताने, अब ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, बट इनमें एक कॉमन बात आई, क्या आई कि ये जो 2 है ये 1 into 2 है, जो ये 4 है ये 2 into 2 है, ये जो 6 है ये 2 into 3 है, और जो ये 200 है ये 2 into 100 है, और सबसे बड़ी बात ये सारी चीज़ें मल्टीपल में हैं, तो एक तो बात कंफर्म हो गई कि जो 2 है यहाँ पर वो 100 बार तो लिखा हुआ है, इस 2 को अलग कर दो आप, 2 की पावर 100 इंटू में 1 इंटू में 2 इंटू में 3 और मल्टीपल पे 100, और 100 का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 100 में
दो होते हैं 97 टाइम्स और 5 होते हैं 24 टाइम्स। अब कंप्लीट चेक करते हो, अब कंप्लीट में यहाँ दो ऑलरेडी 100 हैं और 97 यहाँ पर हैं, तो 2197 हुआ और जो 5 है वो 24 हुआ, तो नंबर ऑफ जीरोस जो बनी वो बनी कितनी 24। तो तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आप इस क्वेश्चन को यहीं पर भी कर सकते थे। आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो दो है वो ऑलरेडी 100 टाइम्स है, जो दो है ऑलरेडी 100 टाइम्स है, तो दो को तो आप दिमाग से निकाल ही दो। फिर 1 × 2 × 3 अप टू 100 तक है, और इस 100 को यहीं की यहीं अगर मैं 5 से डिवाइड करा दूं, अगर याद नहीं भी है तो बस इतने में ही आंसर आ जाता है, द आंसर इज व्हाट 24। चलिए हम बात करते हैं आगे के। देखो मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने आया, 1 × 3 × 5 × 7 और एथ शोन 999, कहता नंबर ऑफ जीरोस बताओ। भैया इसमें नंबर ऑफ जीरोस का लॉजिक ही नहीं है। क्यों नहीं है लॉजिक, आप समझ के कोशिश तो करो समझने की। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस सीक्वेंस में कहीं भी कोई इवन नंबर नहीं है। अब इवन नंबर नहीं है तो 5 को इवन नंबर से ही मल्टीप्लाई कराकर 0 बन सकता है। अब इवन है ही नहीं तो दैट मीन एंड में यहाँ पर कोई भी सिंगल जीरो नहीं है। चलिए एक और चीज देखते हैं। सेम क्वेश्चन कहता है 1 × 3 × 5 × 7 99 और इंटू में कहता है 256 है। अब बात बन गई, अब नंबर ऑफ जीरोस तो कंफर्म है बट है कितनी ये दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ये 2 की पावर आई 256, तो एक छोटी सी चीज़ ही हमेशा कैलकुलेशन याद रखना, 2 की पावर 1 दो होता है, 2 पे 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 4 होता है 16, 5 है 32, 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है मेरे बच्चों 128, 2 की पावर 8 होता है मेरे भैया 256, 2 की पावर 9 होता है भैया 512, 2 की पावर 10 होता है 1024, 32 की पावर 2 लूँ या मैं 4 की पावर 5 लूँ, ये सब 1024 होता है। तो कुछ ऐसी मल्टीप्लीकेशंस हैं या कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ की बात करते हैं, अब 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95 की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें एक चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है कि जो इसमें 2 की पावर है 8, हमें 5 और ढूंढना है, 5 हम यहाँ से ढूंढेंगे बेटा। अब कितने हैं वो देखो, देखो इसमें 5 एक बार ही आएगा, 5 3 जा एक बार आएगा, 5 5 एक दो बार आएगा, एक बार आएगा, एक बार यहाँ भी, एक बार 25 75 दो बार, एक बार और एक बार, काउंट करो 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12। इसका मतलब इस सीक्वेंस में 5 जो है वो 12 बार है, बट जो 2 आया वो सिर्फ कितनी बार आया बच्चों 8 बार आया। इसका मतलब विच वन ऑफ द राइट ऑप्शन इज व्हाट 2 raised to power 8, मतलब 8 जीरो बनेगी इसके एंड में। चलिए हमने ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ा आराम से, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। कहता है भाई 5 × 10 × 15 एज शो ऑन 500। इजी हो गया क्वेश्चन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी नहीं क्वेश्चन में। 5 जो है वो 1 × 5, 10 जो है वो 2 × 5 और यहाँ से 500 आ जाएगा 100 × 5। तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरे मल्टीपल में बच्चों 5 जो है वो 100 बार तो ऑलरेडी है, और ये मल्टीपल में 1 2 3 और 100 तक है, और 100 में हम ऑलरेडी जानते हैं जो 2 होता है वो 97 होता है और 5 जो होता है वो 24 होता है। तो अब की बार 100 और 24 124 हुआ, तो कम क्या हुआ 97 रहा, तो
तो इसका मतलब एट द एंड नंबर ऑफ जीरो जो बने वो कितने बने, 97 बने। चलिए तो कुछ चीजों को ना बहुत आराम से सीखो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आपका टाइम इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट कितनी स्ट्रोंग है, आप क्वेश्चन को किस लेवल पर लेते हो, किस तरह से लेते हो, ये डिपेंड करता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू में 1000, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। सेम बेटा, आप इसको 10 इंटू 1, आप इसको 10 इंटू 2 20, आप इसको 10 इंटू 100 लिख सकते हो। अब तुम ऑलरेडी जान चुके हो कि जो 10 है यहाँ 100 बार है, और जो 2 है वो 97 आएगा, और जो 5 है वो 24 आएगा। बेस्ट चीज़ ये हुई, ये जो 10 है इसमें भी 2 इंटू 5 अपॉन 100 है। नाउ 2 रेस टू पावर 97 एंड देन 5 रेस टू पावर 24। अब जब आप इनको एग्जैक्ट कर रहे हो, एक साथ कैलकुलेट करोगे तो 197 और 124, विच एवर इज लेस 124। तो 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 1000 के एंड में टोटल नंबर ऑफ जो जीरोस बनती हैं वो कितनी बनती हैं हमारे पास, 124 बनती है। ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको जो भी नंबर ऑफ जीरोज के जो क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चंस हैं बच्चों, जिन क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली ये चीज़ गिवन है कि भैया सीरीज एक गई हुई है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक छोटा सा कंसर्न सिखाता हूँ बस, फिर इसके साथ हम नंबर ऑफ जीरोज को एंड करते हैं। अब देखो, जब भी आप नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ और आ जाती है कि इन केस ऑफ फैक्टोरियल हाउ टू गेट नंबर ऑफ जीरोज। दो बातें याद रखना, एक छोटा सा चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। मैंने 10 में 100 जोड़ना है और 1000 जोड़ना है, इसमें एक ही जीरो, इसमें दो जीरो, इसमें तीन जीरो हैं। तो जब मैं इसको जोड़ने बैठूँगा तो ये 111 और जीरो होगा, मतलब प्लस करते वक्त मिनिमम नंबर्स काउंट करेंगे, ध्यान रखना। बट अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 दो 5 और 1 6, ठीक है, 6 जीरो आ गई हैं। तब मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया, 3 और दो 5 और 1 6। दिमाग में एक बात रखना कॉमन, तो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, कहता है 20 फैक्टोरियल प्लस में 25 फैक्टोरियल प्लस में 30 फैक्टोरियल प्लस में 35 फैक्टोरियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। इजी है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भाई, जब हम प्लस की बात करते हैं तो हम सबसे कम वैल्यू को ढूंढेंगे, तो आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप बस इस पे आ जाओ। 20 फैक्टोरियल का मतलब था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 20, इसको 5 से भाग करेंगे हम, क्योंकि फैक्टर कम 5 के रहेंगे तो 4, बस। तो इसके एंड में 4 जीरो बनेंगे, ये फिक्स हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर मान लो मल्टीपल की फॉर्म में होता, 25 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल होता, तो मैं सबके अलग अलग जीरो निकालता, सॉरी मल्टीपल में होता तो मैं सबके अलग अलग जीरो निकाल कर जोड़ता, 5 चौक 20, यहां से बात करूंगा 25 देन 5 एकम 5, 30 से भाग करूंगा 5 6 30, देन अगेन दोबारा 6 को 5 से भाग करूंगा तो 5 एकम 5, देन 5 7 35। देखो ये है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, फिर 7 को 5 से भाग करूंगा तो 5 एकम 5, ठीक है। 30 का भी यही हुआ था, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, 30 को 5 से डिवाइड करूंगा यहाँ 6 आएगा, देन 6 को दोबारा 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 पर ही आएगा। अब मैं इनको ऐड करता हूँ तो 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 6 और 4 10 और ये 15, और 10 और 15 25। तो
इक्कीस के एंड में मल्टीपल में 25 जीरो होंगी और जबकि प्लस होगा तो हम सबको सबसे मिनिमम वैल्यू को हमें सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखा आप लोगों ने, हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए नंबर ऑफ जीरोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ। बस आप पढ़ते रहिए, हम लोगों से जुड़े रहिए, कोशिश कीजिए वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। जय हिंद बच्चों, गुड लक।